भारत की इकोनॉमी की तेज रफ्तार पर कंपनियों के सीईओज का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, यहां पर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स वाले सीईओज की संख्या ग्लोबल औसत से करीब दोगुनी ज्यादा है। पीडब्ल्यूसी के एक सर्वे में ज्यादातर भारतीय सीईओज ने उम्मीद जताई है कि अगले 12 महीनों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार में तेजी बनी रहेगी। कंपनी ने अपने 27वें सालाना ग्लोबल सर्वे के तहत 105 देशों के कुल 4,702 सीईओज की राय ली, जिनमें भारत से 79 सीईओ शामिल थे। भारत के करीब 86% सीईओ ने भरोसा जताया है कि इकॉनमी में अगले एक साल में सुधार होगा। यह आंकड़ा एक साल पहले के मुकाबले 30% ज्यादा है, जबकि सर्वे में शामिल महज 44% ग्लोबल सीईओज का मानना था कि उनके यहाँ अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। वैश्विक सीईओज के लिए भारत निवेश के लिहाज से 5वां टॉप डेस्टिनेशन बन गया है, जबकि 2023 में ये 9वें पायदान पर था। वहीं पीडब्ल्यूसी ने इस सर्वे में अलग से तेज ग्रोथ को लेकर भी सीईओज की राय पूछी थी, जिसके जवाब में 62% भारतीय सीईओ ने कहा था कि वो अगले 12 महीनों के दौरान अपनी कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ का भरोसा है, जबकि महज 37% वैश्विक सीईओ ही अपनी कंपनियों की जोरदार ग्रोथ के प्रति भरोसेमंद थे। भारतीय सीईओ ने अगले 12 महीनों के दौरान अपनी कंपनी के लिए महंगाई, स्वास्थ्य संबंधी खतरों और साइबर हमले को सबसे बड़ा जोखिम बताया। 2023 में 18% के मुकाबले करीब 28% भारतीय सीईओ ने साइबर हमले को सबसे बड़ा खतरा बताया था। करीब 27% भारतीय सीईओ ने कहा कि उन्हें आशंका है कि अगले 12 महीने में उनकी कंपनी स्वास्थ्य संबंधी खतरों से काफी प्रभावित हो सकती है। कारोबार पर जेनरेटिव एआई के प्रभाव के बारे में बात करते हुए करीब 71% भारतीय सीईओ ने कहा है कि अगले 12 महीनों के दौरान एआई से कर्मचारियों की स्किल्स बेहतर होगी, जबकि 70% भारतीय सीईओ का मानना है कि इससे उनके खुद के प्रदर्शन में सुधार होगा। करीब 48% सीईओ ने इससे रेवेन्यू में इजाफा होने और 46% ने प्रॉफिट बढ़ने का अनुमान जताया है। वहीं 30% सीईओ ने माना है कि इससे रोजगार में कमी आने के साथ ही नई नौकरियां भी पैदा होंगी। करीब 48% सीईओ ने कहा है कि जेन एआई का रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और महज 13% का मानना था कि इससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी। भारतीय कंपनियों के सीईओ भी अब ग्रोथ के लिए नए एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यही वजह है कि बीते 5 साल के दौरान इन्होंने ग्राहकों की पसंद और तकनीकी बदलाव के हिसाब से कारोबार में सुधार किए हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।